उज्जैन के बड़नगर रोड पर बैरागी समाज के परिचय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में वरवधु और उनके परिवार के सदस्य पहुंचे थे, जिसमें विधिवत रूप से परिचय सम्मेलन में विवाह संपन्न हुए। वैष्णव बैरागी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में जहां वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पहुंचे और वरवधु को आशीर्वाद दिया, वहीं विवाह समारोह में दान सामग्री भेंट की। दौरान बड़ी संख्या में वैष्णव बैरागी समाज के समाजजन मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेन शर्मा की रिपोर्ट। में आपके साथ हूँ, ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। परमात्मा की दया से आने वाले समय में अपने धर्मशाला बने, स्कूल कॉलेज बने, हॉस्टल बने, गुरुकुल बने, वहाँ पर रहा हुआ उनको और उनके परिवार वालों से। आज से 5000 साल पहले उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की पांचवी पटरानी से विवाह हुआ, तो मित्रवृंदा उज्जैन की महारानी थी राजा सूरसेन यादव की लड़की। सामूहिक विवाह सम्मेलन, निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और इसमें करीब 13 जोड़े का हमने सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया है अभी। और ये स्थान है हनुमानगढ़ी बड़नगर रोड, और पिछले 4 वर्षों से हम जो है निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। सौ जाति बंधु का रहता है। किस प्रकार से सभी को जोड़ने का उद्देश्य रहता है और किस प्रकार से ये क्या रहता है? सामाजिक तौर पर एक संगठन है हमारा जो निःशुल्क काम करता है, ना कोई चंदा करने की, सबके आपसी सहयोग से ये सब काम करते हैं लोग, और सबको जोड़ के जो है एक नया संगठन जो है निःशुल्क, जो बिना चंदे से कर सके ऐसा काम करते हैं। उज्जैन संभाग के सारे लोग पहुँचते हैं यहाँ पर? हाँ, उज्जैन पूरे मध्य सारे मध्य प्रदेश से, तमाम मध्य प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश से सारे लोग आते हैं। कई जिलों से हमारे समाज बंधु उज्जैन के इस निःशुल्क सामूहिक सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं। करीब कितने जोड़ों का आज विवाह होगा और क्या रहेगा? आज 13 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक सम्मेलन संपन्न हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।